सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। बाप का कत्ल कर दिया और तूने कुछ नहीं किया? सर मैंने अपने पापा को नहीं मारा, आप लोग समझते क्यों नहीं? देख, ये जो मेरा दिमाग है ना, इसकी एक लिमिट है, और जो तू ये पिछले 3 दिन से खेल खेल रहा है ना, खत्म कर इसे। सर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप लोग तो मेरे ही पीछे पड़ गए। तेरे ही पीछे पड़ गए? तू अकेला सस्पेक्ट नहीं है, और भी हैं यहाँ पे लोग, लेकिन सबकी कहानी तुझे भी आके कैसे खत्म होती है? सर मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन आपसे क्या कह रहा है, लेकिन जो भी कह रहा है वो झूठ है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ सर, आप ही बताइए मैं क्यों मारूंगा उन्हें? तो मैं पूछना चाहता हूँ तुझसे, क्यों मारा अपने बाप को? सर आप लोग तो बार बार एक ही बात, और जो तुम एक ही बात की बार बार रट लगा के बैठा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं आपको कैसे समझाऊं? देख, तेरी अभी उम्र कम है, अगर तू अपना गुनाह कबूल कर ले तो मैं वादा करता हूं कि मैं कोर्ट में अपील करके तेरी कम से कम सजा करवाऊंगा। आई प्रॉमिस। सर सर बात सजा की नहीं, मैंने सच में नहीं मारा उन्हें, अब क्यों जबरदस्ती जबरदस्ती क्या बोला तू? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, तू सीधी तरह से बता दे सच क्या है, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं। ये घड़ी घड़ी नौटंकी करना बंद कर, कुछ नहीं होने वाला है इससे। आई डोंट ब्लडी अंडरस्टैंड, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैंने अपने पापा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। क्या हालत बना दी आपने मेरी, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस बात पर रहूं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है इस बात पर, या उनके खून का इल्जाम भी आप लोग मुझी पर लगा रहे हो इस बात। कितना मारोगे सर, कितना टॉर्चर कर रहे हो आप लोग मुझे? 3 दिन से इतना मार रहे हो, इतना मार रहे हो कि कभी कभी तो लगता है कबूल ही कर लो कि हाँ मैंने ही मारा अपने पापा को। लेकिन मैं क्या करूं साला, ये दिल से आवाज नहीं आती क्योंकि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा अपने पापा को। सर मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत हुआ, अब या तो तू मुझे इस नरक से निकालेगा या मैं तेरी आत्मा को शरीर से। तुषार ये सही तरीका नहीं है, गन नीचे रखो। कभी नहीं तुषार, ये तुम भी जानते हो, इस वक्त यहाँ पे जो भी हो रहा है तुम्हारा केस सॉल्व करने के लिए हो रहा है। केस घंटा, अबे घंटा सॉल्व किया तूने ये केस, धीरे में तीर चला के केस सॉल्व कर लिया। हाँ देखो तुषार, ये गन मुझे वापस दो, हम बैठ के बात कर रहे हैं ना। बात करनी है तुझे, बात करनी है तो सुन। हाँ मैंने ही मारा अपने बाप को, हाँ जो तूने सोचा था वही सच है। कांग्रेचुलेशंस, चल अब निकलना बाहर मुझे यहां से। देखो तुषार, अगर तुम सोच रहे हो ना कि इस तरह से गन पॉइंट पे मुझे रखकर तुम यहां से निकल जाओगे तो इम्पॉसिबल। अपनी बकवास बंद कर और निकलवा बाहर मुझे यहां से, चल। हाँ पांडे सर, जल्दी कंट्रोल रूम में आइए, नितिन जोशी मर्डर केस में एक लीड मिली है। पता है तुषार ही है। तुषार? नहीं सर, वो सच बोल रहा है, अभी फुटेज आई है, ये तो सच में उसी रेस्टोरेंट में था जहाँ इसने बताया है। क्या? हाँ सर, लीड मिली है राहुल खन्ना की तरफ। आप बस जल्दी कंट्रोल रूम में आइए।
से इतना मार रहे हो, इतना मार रहे हो, ये कभी कभी तो लगता है कबूल ही कर लो कि हाँ मैंने ही मारा अपने पापा को। बात करनी है तुझे, बात करनी है तो सुन। हाँ मैंने ही मारा अपने बाप को।